नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि। हम सबके लिए एक बहुत ही बुरी खबर आई है। मुझे ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस का साथ देने के लिए एक और नया फंगस आ गया है, यानी येलो फंगस। मतलब पहले से परेशानियां कम नहीं थी, अब एक और मुसीबत सामने आ गई है यस येलो फंगस की। तो आज का हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है वो येलो फंगस ही है। देखेंगे कि येलो फंगस क्या है, सिम्टम्स क्या है, इसके कॉजेस क्या है, प्रिकॉशंस हमें क्या क्या लेने हैं और इससे रिलेटेड सारी बातें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको पहले टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि मैंने ब्लैक फंगस और वाइट फंगस पे भी एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। यदि आपने मेरे उस वीडियो को नहीं देखा तो आप जाकर उस वीडियो को एक बार जरूर देखिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। देखिए, जैसा हम बात कर रहे हैं येलो फंगस के बारे में, तो फंगस यानी एक तरीके का फंगल इन्फेक्शन है जो फंगस से होती है। इसका पहला केस जो है यूपी के गाजियाबाद में देखने को मिली है। केसेस उतने नहीं है, पहला केस डिटेक्ट हुआ है यूपी के गाजियाबाद में। और डॉक्टर्स का ऐसा कहना है कि जो येलो फंगस है वो बाकी के दो फंगस यानी ब्लैक और व्हाइट फंगस के कंपैरिजन में बहुत ही अधिक डेंजरस है, स्कैरियर है। अब ये कैसे डेंजरस है व्हाइट और ब्लैक फंगस से? देखिए, ब्लैक फंगस में क्या था कि वो हमारे आँख को अफेक्ट कर रही थी, मतलब आँख को क्या, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की आँखों की रोशनी चली जा रही थी। व्हाइट फंगस में क्या था कि वो हमारे किसी भी बॉडी पार्ट को, जैसे स्किन हो गए, नेल्स हो गए, प्राइवेट पार्ट हो गए, किडनी हो गए, इन सबको अफेक्ट कर रहा था। ये येलो फंगस जो है वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को अफेक्ट कर रहा है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को, और ये खुद ब खुद अपने आप इंटरनली स्टार्ट हो जा रहे हैं। देखिए, इंटरनली स्टार्ट होने का क्या मतलब, देखिए इसके सिम्टम्स को देखते हैं पहले कि क्या है इसके सिम्टम्स, तब समझ में आएगा कि ये कैसे इंटरनली स्टार्ट हो जा रहे हैं। देखिए, पहला सिम्टम्स की बात करें तो पुस लीकेज। अब ये पुस लीकेज क्या होता है तो कुछ इस तरीके का होता है। आपकी स्क्रीन पर ये फिगर है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हो, आँख से जो लिक्विड जैसा कुछ बाहर आने लग रहा है, निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, तो इससे ही पुस लीकेज कहा जाता है। आंखों में सूजन वगैरह आपको लग सकती है, लिक्विड जैसा कुछ वो चीज़ जो है वो बाहर आने लगता है, तो इसे पुस लीकेज कहते हैं। ये एक तरीके का इसका सिम्टम्स है। स्लो हीलिंग ऑफ वुंड्स, घाव धीरे धीरे भरना, घाव जो है भरते हैं वो धीरे धीरे भरने लगते हैं। ऑर्गन फेलियर हो रहा है, फैटीग, लेथार्जी, आपको वीकनेस लगेगी, कमजोरी, आलस जैसा लगेगा, पुअर एपेटाइट, भूख नहीं लगना, वेट लॉस, अचानक से वजन में कमी आ जाना, पुअर मेटाबॉलिज्म, संकेन आइज, रेडनेस आपको आइज में लगेंगी, ये सारे इसके सिम्टम्स हैं। बात करें एक्सट्रीम केसेस की, ये तो नॉर्मल केसेस के ऐसे, जब येलो फंगस जो है अपना हाई लेवल पर कब रहेगा, एक्सट्रीम केसेस क्या है इसके, तो नेक्रोसिस, ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या करें, हमारे सेल्स को अफेक्ट कर रहे हैं, हमारे टिश्यूज को अफेक्ट कर रहे हैं। जो सेल्स है इसके अटैक के कारण क्या हो रहा है कि हमारे सेल जो है, सेल और लिविंग टिश्यूज जो है वो इंजर्ड हो जा रहे हैं, उनकी डेथ हो जा रही है। तो ऐसा सिम्टम्स है येलो फंगस का। देखिए, जैसा कि हमने देखा कि यह इंटरनली हमारे बॉडी में स्टार्ट हो जा रही है, और ये इंटरनली स्टार्ट होती है, अफेक्ट करती है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता था, ब्लैक और व्हाइट फंगस में भी सिम्टम्स पता चल जाते थे, आँखों को अफेक्ट कर रहा है, आँखों की रोशनी चली जा रही है, धुंधला दिख रहा है, वो ब्लैक फंगस था। व्हाइट फंगस के केसेस में बात करें तो व्हाइट फंगस का सिम्टम्स जो था वो कोरोना वायरस के सिम्टम्स से मैच करता था। हालांकि वो क्या कन्फ्यूजन क्रिएट कर दे रहा था कि सिम्टम्स कोरोना वायरस के, मगर पता नहीं चल रहा कि रिपोर्ट निगेटिव आ रही है, तो वो व्हाइट फंगस ने कर दिया था कन्फ्यूजन क्रिएट। अब इस येलो फंगस ने तो और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर दिए हैं हम लोगों के लिए, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को अफेक्ट कर रहा है। लोग क्या सोचते हैं कि मौसम में चेंज होती है, जैसे जैसे मौसम में बदलाव आते हैं तो हमारे बॉडी में भी कुछ बदलाव आते हैं, जैसे भूख नहीं लगना बदलते मौसम के साथ कभी कभी हो सकता है, कभी कभी लोगों को आलस लग सकती है अचानक से, कभी मतलब कि लोग क्या सोचते हैं कि मौसम बदल रहा है ना, तो इस ये सब कारण क्या है, मौसम के बदलने के कारण ही ऐसा हमें फील हो रहा है। बट ऐसा केसेस अभी तो यही बोल सकते हैं कि अभी यदि आप लोगों में से किसी को ये सिम्टम्स लगे, भूख नहीं लगना, अचानक से बहुत कमी आ रही है, आँखों में लालीपन आ गई, रेडनेस हो गया है, यदि ऐसा लग रहा है तो प्लीज़ इसे नज़रअंदाज नहीं करें, यह ना समझे कि मौसम बदल रहा है या फिर और भी कोई रीज़न है जिसकी वजह से ये हो रहा है। यदि ऐसा है तो आप टाइमली जाकर डॉक्टर से चेकअप करो, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट मतलब राइट टाइम पे यदि इसका ट्रीटमेंट किया जाए तो इसे बचा जा सकता है, आप ठीक हो सकते हो, नहीं
नहीं तो बहुत ही इसके फर्टिलिटी रेट की बात करें तो बहुत ही ज्यादा है। जैसा ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस, ब्लैक फंगस का तो 50% था, व्हाइट फंगस उससे भी अधिक है और येलो फंगस से इन दोनों से भी अधिक है, तो इसकी फर्टिलिटी रेट बहुत अधिक है। तो चांसेस बहुत है यदि येलो फंगस ने अफेक्ट किया, येलो फंगस ने हमें इन्फेक्ट किया तो चांसेस बहुत कम है आपके ठीक होने के। अभी भी ट्रीटमेंट में एम्फोथेरेसिन बी इंजेक्शन ही दिए जा रहे हैं जो कि एंटी फंगल मेडिसिन है। सारे फंगल इन्फेक्शन के लिए डॉक्टर्स जो है यही एम्फोथेरेसिन बी इंजेक्शन ही पेशेंट्स को दे रहे हैं। राइट टाइम पर ट्रीटमेंट, डॉक्टर का यह भी कहना है कि राइट टाइम पर ट्रीटमेंट हो तो इसे रोका जा सकता है। तो इसीलिए आपसे यही रिक्वेस्ट है कि यदि सिम्टम्स ऐसे दिखे तो टाइमली जाकर दिखलवाओ डॉक्टर से, नजरअंदाज नहीं करो, नहीं सोचना है कि मौसम बदल रहा है उसके कारण हो रहा है या फिर कोई और वजह है। देखिए फंगस कैसे ग्रोथ करते हैं, बात कर रहे हैं हम फंगल इन्फेक्शन के बारे में, तो फंगस की कौन से इन्वायरमेंट में जन्म लेते हैं? तो देखिए मोस्टली फंगस जो होता है वो अनसैनिटरी कंडीशन, पुअर हाइजीन, कंटेमिनेटेड रिसोर्सेज में जन्म लेते हैं, यानी आपके आस पास के माहौल में साफ सफाई नहीं है वहाँ फंगस जन्म ले सकते हैं। कंटेमिनेटेड रिसोर्सेज, अब ये कंटेमिनेटेड रिसोर्सेज क्या है? देखिए जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था जो ब्लैक और व्हाइट फंगस वाला है कि जो उसमें मोल्ड्स मोल्ड्स के कारण ये सारे फंगस होते हैं। ये मोल्ड्स क्या होता है कि फूड को, यदि फूड मटेरियल को हम कुछ दिनों के लिए छोड़ दें तो एक लेयर जम जाता है उस पर, तो उसे ही मोल्ड्स कहते हैं। तो यदि हम वैसा कंटेमिनेटेड रिसोर्स जैसे फूड हो गया या फिर पानी हो गया, इसी डायरेक्टली यदि हम उसे इनटेक कर लेते हैं, ले लेते हैं अपने अंदर, तो क्या होता है कि हमारे बॉडी को फंगस ने इन्फेक्ट कर दिया, अफेक्ट कर जाते हैं। ओवर यूज ऑफ स्टेरॉइड्स, कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट में स्टेरॉइड्स का यूज किया जा रहा है, तो यदि इसका अधिक यूज हो तो यह भी हमारे बॉडी को अफेक्ट कर रहा है। कैसे अफेक्ट कर रहा है? तो मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि इम्यून सिस्टम कम कर देता है, ये तो इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है। एंटीबैक्टीरियल मेडिकेशन हो गए, पूरे ऑक्सीजन यूज हो गए, ये सारे इसके पनपने के एनवायरनमेंट है, ऐसे ऐसे मतलब कि माहौल में यह जन्म लेता है। ह्यूमिडिटी, हाईली ह्यूमिडिटी वाले रीजन में ये जन्म लेता है। ह्यूमिडिटी का मतलब जो हवा में नमी रहती है, मॉइस्चर रहती है, यदि जितना ज़्यादा मॉइस्चर उतनी ज़्यादा चांसेस है कि फंगस जो है वो ग्रोथ करेंगे। और मेनली ह्यूमिडिटी वाला रीजन कौन सा होता है? तो हमारे घर का क्लोज्ड एरिया जो है वो, जैसे हमारे घर, ऑफिस, ये सब जो है यहाँ पर ह्यूमिडिटी हवा में नमी अधिक रहती है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहता है, तो चांसेस है कि फंगस के ग्रोथ हो सकते हैं। 30-40 डिग्री से अधिक, मतलब 30-40 डिग्री तक से अधिक ह्यूमिडिटी रेंज चाहिए किसी भी फंगस के ग्रोथ के लिए। देखिए बात करें इसके प्रिकॉशंस की, प्रिकॉशंस तो जैसा कि हमने देखा कि अनसैनिटरी कंडीशन में जन्म लेते हैं, तो सबसे पहला यही है कि साफ सफाई रखो, जितना हो सके अपने आसपास के साफ सफाई रखो, और वैसे फूड जैसे आपको लग रहे कंटामिनेटेड है, मतलब 2 या 3 दिन का हो गया, तो मतलब 1 दिन का भी हो गया ना बचा, तो रात का बचा कल खा लेते हैं, तो वो काम नहीं करो, नहीं, वो सारे फूड्स को हटाओ, जितनी हो फ्रेश फूड्स खाने की कोशिश करो, ताज़ी ताज़ी सारे खाने खाने की कोशिश करो, इस फंगस को बढ़ने से हम रोक सकते हैं। मुझे तो ऐसा लगा था कि ये फंगस की जो दुनिया है वो ब्लैक एंड वाइट दुनिया है, इसी बीच में ये येलो फंगस ने आया और मुझे बोल दिया नो यू आर रॉन्ग, मैं हूँ इसकी दुनिया को रंगीन बनाने के लिए। मतलब इंडिया नहीं हो गया ये, हमारा एक मंदिर की घंटी जैसा हो गया इंडिया, जिसका मन जब आ रहा है बजाकर चला जा रहा है। कोरोना वायरस का सेकेंड वेव, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, साइक्लोन्स आ रहे हैं, ताउते, यास, अब ये येलो फंगस, पता नहीं और क्या क्या देखने को मिलेगा हमें। कहते ना हमारे देश में कहते हैं कि अतिथि देवो भव, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारे मेहमान जो है वह इंडिया में आकर अपनी मेहमान नवाजी करवानी चाहते हैं, खातिरदारी करवानी चाहते हैं हम लोगों से, पता नहीं हमें क्या क्या झेलना पड़ेगा। तो यह था येलो फंगस से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन, और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके प्रिकॉशंस लो, यदि सिम्टम्स दिखे ऐसे तो नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना, टाइमली जाकर डॉक्टर से चेकअप करवाओ, डॉक्टर की सलाह लो, नज़रअंदाज करें, नज़र हटी दुर्घटना घटी। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। हमारा अब तक का साथ देने के लिए धन्यवाद।